हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित का रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और ये क्लास रोज दिन में 1 बजे चलेगा। तो 1 बजे आप लोग हमसे जुड़ के मैथ का रिवीजन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि 2kx+7y=5 में k का मान ज्ञात करें जिसमें x=1 और y=1 है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। जो ये समीकरण दिया है इसमें से आपको k का मान निकालना है, जिसके लिए यहाँ पे देखिए x का मान कितना दिया है, 1 और y का मान 1 दिया है। तो x के जगह पे 1 रख देंगे और y के जगह पे 1 रख देंगे तो यहाँ पे हमारा k का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न लिखते हैं 2kx+ यहाँ पे 7y=5। यहाँ से आपको k का मान निकालना है तो यहाँ पे x का मान रख दीजिए, यहाँ पे y का मान रख दीजिए। तो यहाँ पे रख देते हैं 2k और x का मान कितना है, 1 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस यहाँ पे 7 है तो 7 और y का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1। बराबर है तो बराबर, 5 है तो 5। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2k में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2k ही रहेगा और 7 में 1 से गुणा होगा तो ये 7 ही रहेगा और बराबर के उधर 5 है तो 5। अब हमको k का मान निकालना है तो +7 को क्या करना पड़ेगा, बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो इधर बच जाएगा हमारा 2k और उधर पहले से 5 है और ये +7 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -7 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, आपको घटाना है तो 5 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। इधर बचा है हमारा 2k, लेकिन हमको केवल k का मान निकालना है तो 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी k बराबर क्या होगा, -2/2, कट के कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। यानी k का मान कितना निकल गया हमारा, -1 निकल गया, जो d ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और प्रथम सम संख्या कौन सा होता है, तो 2 होता है, उसके बाद 4, उसके बाद 6 और उसके बाद क्या होता है, 8 होता है। तो ये क्या हो गया, प्रथम ये 4 यहाँ पे सम संख्या है, इसका आपको क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग बटा क्या होता है, कुल संख्या। तो यहां पे सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितनी संख्या इससे क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो यहां पे देखिए संख्या कितना है, 4 है, तो यहां पे हम 4 से भाग लगा देंगे, इसे जोड़ लीजिए, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, यहां पे 20/4, इसे कटा दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए sin π/6 - tan π/4 का मान ज्ञात करिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न लिख देते हैं sin π/6 - यहाँ पे देखिए tan π/4 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए π/6 का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे लिख दीजिए π/6, और पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि पाई का मान 180 डिग्री और बट्टा के नीचे 6। अब इसे कटा दीजिए तो ये कितना बार में कटेगा, ये 30 बार में कटेगा, यानी π/6 का मतलब क्या हो गया, यानी 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे sin 30 डिग्री, और यहाँ पे देखिए -tan, यहाँ पे देखिए यहाँ पे tan π/4 का मतलब क्या हुआ, यानी 180/4, इसे जब आप लोग कटाइएगा तो ये कितना बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा, यानी 45 डिग्री में ये कट जाएगा। यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, tan, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब यहां पे आपको sin 30 डिग्री का मान रखना है और यहां पे tan 45 डिग्री का मान रखना है। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 माइनस, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब आपको क्या करना है कि यहां पे आपको बट्टा के घटाव बनाना है, तो 2 और 1 का लघुगणक कितना होगा, 2 होगा, तो यहां पे हो जाएगा 1 और माइनस है तो माइनस, और यहां पे क्या होगा, 2 होगा। यानी जब ये घटेगा यहां पे देखिए 1 में से यहां पे -2 जब घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे -1/2 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहां पे 4 नंबर
चार नंबर प्रश्न है कि समीकरण यहां पे देखिए 2x प्लस 3y बराबर 7 में x और y का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ये समीकरण दिया है, इसमें आपको x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। ये क्या है, एक रैखिक, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है, तो इसका मान नहीं निकल सकता है, लेकिन जब आपको ऑप्शन रहे तो आप लोग ऑप्शन से निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो ये पहला वाला होता है ये एक्स का मान होता है और दूसरा वाला क्या होता है, वाई का मान होता है। तो यहां पर एक्स की जगह पे x का मान और y के जगह पे y का मान अगर इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो बराबर के इधर साथ है, तो बराबर के इधर भी अगर साथ आ जाता है तो समझिए वो क्या होगा, x का और y का वो मान होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं 2x plus 3y बराबर कितना है, 7 है। यहां पे हम x बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे और y बराबर कितना रखेंगे, यहां पे 1 रखेंगे। तो यहां पे रख दिए y बराबर 1, बराबर के उधर क्या है 7, तो इधर भी हमारा 7 आना चाहिए तभी ये सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2 दूना यहां पे क्या हो जाएगा 4 और 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 और बराबर के उधर क्या है 7। यहां पे देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, बराबर क्या हो जाएगा 7, यानी आ रहा है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। x का मान कितना होगा 2 होगा और y का मान कितना होगा 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग दूसरा मान रखिएगा तो इसे भी रख के देख लीजिए। यहां पे देखिए 2x + 3y बराबर क्या है 7 है, तो इसमें पहला वाला x का मान होता है और ये दूसरा वाला क्या होता है, y का मान होता है। यहां पे देखिए 2 और x के जगह पे 1 प्लस यहां पे 3 और y के जगह पे कितना रखेंगे हम 2 रखेंगे, बराबर के उधर 7 है, तो इधर भी अब 7 आना चाहिए। अगर 7 नहीं आएगा तो ये इसका मान नहीं होगा। यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहां पे 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 और प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा, यहां पे 6 और बराबर के उधर क्या है 7। तो यहां पे देखिए 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, बराबर इधर 7 नहीं आ रहा है तो ये इसका मान नहीं होगा, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहां पे पांच नंबर प्रश्न है कि रूट 3 यहां पे सेक थीटा बराबर 2 हो तो यहां पे देखिए थीटा का मान ज्ञात करें। यहां पे आपको जो ये थीटा है, इस थीटा का मान आपको क्या करना है, निकालना है। थीटा का मतलब क्या होता है, कोण। यहां पे देखिए रूट 3 यहां पे देखिए सेक थीटा बराबर क्या है 2 है, तो यहां पे आपको थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए रूट 3 इधर गुणा कर रहा है तो इसको बराबर के उधर में भेज दीजिए, तो ये क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का मतलब ये बट्टा के नीचे आ जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा हमारा सेक थीटा बट्टा यहां पे क्या हो जाएगा 2 बट्टा यहां पे क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। अब यहां पे देखना पड़ेगा आपको कि सेक कितने डिग्री का मान यहां पे 2 बटा रूट 3 होता है, तो ये सेक 30 डिग्री का मान होता है। तो यहां पे देखिए 2 बटा रूट 3 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, सेक 30 डिग्री लिखेंगे। तो यहां पे लिख दिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे सेक 30 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 बटा रूट 3 होता है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं सेक से कट जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री निकल जाएगा, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छह नंबर प्रश्न है कि 1 माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहां पे देखिए कोट 45 का यहां पे आपको मान रखना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए 1 है तो यहां पे लिख देंगे 1 और माइनस है तो यहां पे माइनस, और कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहां पे लिख देंगे 1, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, यहां पे स्क्वायर कर देंगे, और यहां पे बट्टा है तो यहां भी दे देंगे बट्टा, फिर बट्टा के नीचे 1 है तो यहां पे लिख देंगे 1 और प्लस, यहां पे देखिए कोट स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोट स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, यहां पे कोट 45 का मान 1 होता है और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पे देखिए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और बट्टा के नीचे देखिए 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। यहां पे आप लोग देख सकते हैं 1 में से 1 घटेगा 0 और बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी यहां पे देखिए क्या हो जाएगा 0 बट्टा 2 यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहां पे सात नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद का घात ज्ञात करें। इस बहुपद का आपको घात बताना है कि इस बहुपद का घात क्या है। तो घात कैसे निकाला जाता है, तो जो चर होता है, जो एक्स वाई होता है, तो उसका जो महत्तम घात होता है यानी सबसे जो अधिक घात होता है वही बहुपद का घात होता है। तो यहां पे चर क्या है, एक्स है और एक्स इसमें 2 है, तो यहां पे चर का महत्तम घात 1 है और यहां पे क्या है 2 है, तो जो भी ज्यादा होगा इसमें वही उसका क्या होगा, बहुपद का घात होगा। तो एक्स का मान इस एक्स का घात
कितना कि कौन किस कौन सा यहाँ पे अधिक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x का घात जो 2 है ये सबसे अधिक है, यानी यहाँ पे बहुपद का घात क्या होगा 2 होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि बिंदु है 0√2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे √3 0 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इस जो दो बिंदु दिया है इसका आपको क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 − x1 द होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 − y1 का या क्या होता है द होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया हमारा y1, और दूसरे बिंदु में ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा यहाँ पे y2 होगा। बस इसमें आपको मान रखना है x2 का मान कितना है √3 है, तो यहां पर रख देंगे √3, माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना है 0 है तो यहां पे 0, और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, और यहां पे देखिए y2 का मान कितना है 0 है तो यहां पे लिख देंगे 0, और y1 का मान यहां पे आप लोग देख सकते हैं √2 है तो यहां पे लिख देंगे √2, और यहां पे इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पे देखिए यहाँ पे √3 में से 0 घटेगा तो क्या होगा यहाँ पे √3, और इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 0 में से यहाँ पे √2 घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा −√2, और इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये 2 बार गुणा होता है, तो यहाँ पे इसका 2 बार हम गुणा कर देते हैं, √3 में √3 से गुणा होगा तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और फिर आपको क्या करना है −√2 का आपको क्या करना है स्क्वायर कर देना है, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे 2 बार गुणा होगा तो यहाँ पे कर देते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और √2 में √2 से गुणा होगा तो √4 होगा, और √4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब इसको जोड़ना पड़ेगा 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि 1/3, 5/3, 9/3, यहाँ पे 13/3 का सार्व अंतर ज्ञात करें। इसका क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से, और डी कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है, तो दूसरा पद कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5/3, और आपको घटाना है पहले पद में से, तो पहला पद कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3, यहाँ भी क्या है बट्टा का घटाव है, तो आप लोग जैसे भी बट्टा का घटाव बनाते हैं बना लीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पे निकल जाएगा। यहां पे देखिए 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा यहां पे 4/3, यानी इसका सार्व अंतर कितना होगा तो 4/3 होगा, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि 15 और 20 का लस और मौसा का अनुपात ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे 2 संख्या दिया है 15 और 20, इसका आपको क्या करना है कि लस और मौसा का अनुपात आपको निकालना है। तो सबसे पहले 15 और 20 का यहाँ पे लस निकालेंगे, जो भी विधि आपको अच्छा लगे उससे आप लोग लस और मौसा यहाँ पे निकाल लीजिएगा। तो हम यहाँ पे इससे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 3 कितना हो जाएगा 15 और 5 4 कितना हो जाएगा 20, यानी इसका लस कितना हो गया 5 3 15 और 15 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, इसका लस कितना हो गया यहाँ पे 60, तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं लस यहाँ पे 60 निकल गया। मौसा निकालेंगे 15 और 20 का, तो यहाँ पे देखिए 15 एकम 15 और यहाँ पे आएगा हमारा 5, और इधर से उतरेगा हमारा 15 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, यानी हमारा मौसा कितना निकल गया यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि लस और मौसा का अनुपात निकालना है। सबसे पहले लस है, तो यहाँ पे लस लिखेंगे, लस कितना निकला है 60 निकला है, और मौसा कितना निकला है यहाँ पे 5 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अगर ये कटे तो आपको कटाना है, 5 एकम 5 और 12 5 कितना होता है यहाँ पे 60 होता है, यानी हमारा अनुपात निकलेगा 12 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका ज्ञात करें। इसका क्या निकालना है आपको, माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले जो आपको संख्या दिया रहेगा उसको सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे जो बड़ा है उसको, फिर उससे जो बड़ा है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 1 है, इससे बड़ा कौन है 2 है, फिर इससे बड़ा क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, और 3 लिखा गया, उसके बाद आपको 4 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 4, 4
से बड़ा क्या है, पांच है, तो यहां पर लिख दीजिए पांच, और पांच से बड़ा क्या है, छह है, तो यहां पर लिख दीजिए छह, और छह से बड़ा क्या है, यहां पर सात है, तो यहां पर लिख देंगे सात। अब इसका आपको क्या करना है, माध्यिका निकालना है, यानी यहां पर बीच वाली संख्या आपको निकालना है। तो इधर से तीन छोड़ दीजिए, इधर से तीन छोड़ दीजिए, बीच में कौन सी संख्या आएगी, चार आएगी, यानी यही इसका क्या होगा, माध्यिका होगा, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर की, पांच कॉस ए बराबर तीन हो तो टेन ए का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पर क्या दिया है कि पांच कॉस, यहाँ पे पांच कॉस ए बराबर यहाँ पे तीन दिया है, तो बोल रहा है यहाँ पे कि तीन टेन ए का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कॉस ए का मान निकालते हैं, तो पांच इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीन बट्टा पांच हो जाएगा। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार, और बट्टा क्या होता है, यहाँ पे कर्ण होता है। और यहाँ पे देखिए टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब, और बट्टा क्या होता है, यहाँ पे आधार होता है। तो यहाँ पे आपको लंब का मान चाहिए, आधार का मान चाहिए, लेकिन इसमें दिया क्या है, आधार यहाँ पे तीन दिया, कर्ण कितना दिया है, पांच दिया है। तो सबसे पहले हम यहां पे लंब निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहां पे लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है, यहां पे आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है, यहां पे पांच दिया है, तो यहां पे पांच का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना दिया है, तो लंब हमको निकालना है, तो यहां पे लंब का स्क्वायर वैसे ही छोड़ देंगे। आधार कितना दिया है, तीन दिया है, तो यहां पे लिख देंगे तीन का स्क्वायर। पांच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पच्चीस, और यहां पे लंब स्क्वायर निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नौ, नौ इधर जोड़ रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, घटा देगा, यानी 25 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे लंब का स्क्वायर। 25 में से 9 निकलेगा तो कितना बचेगा, यहां पे 16, और बराबर क्या होगा, यहां पे लंब का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए हमको सिर्फ लंब निकालना है, तो इधर स्क्वायर है, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 16 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे लंब हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, यानी लंब का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। बस यहां पे आपको मान निकालना है तीन टेन ए का, तो यहां पे लिख देंगे तीन गुणे लंब का मान कितना है, चार है, तो यहां पे लिख देंगे चार। और आधार का मान कितना है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं आधार का मान तीन है, तो यहां पर रख देंगे तीन, तो यहां पे तीन से तीन कट जाएगा, कितना आंसर होगा, चार होगा, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर, 13 नंबर प्रश्न की समानांतर श्रेणी, यहाँ पे देखिए 1, 4, 7, 10 का यहाँ पे 18वां पद का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 18वां पद आपको क्या करना है, निकालना है। तो 18वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस यहाँ पे 17d, ये क्या होता है, एक घटा के लिखा जाता है। अगर आपसे कोई बोल दे कि 20वां पद लिखिए, तो 20वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 19d, एक आपको क्या करना है, घटा के लिखना है। यहाँ पे a क्या होता है, प्रथम पद होता है, और d क्या होता है, तो ये सार्व अंतर होता है। तो यहाँ पे a का मान रख दीजिए, a का मान कितना है, यानी प्रथम पद कितना है, पहला पद एक है, तो यहां पे लिख दीजिए एक प्लस यहां पे 17 है, तो 17। और यहां पे आपको डी का मान निकालना है, तो डी कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद है ये, और ये क्या है, पहला पद, तो दूसरा पद 4 और पहला पद कितना है, एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी डी का मान 3 आ गया। तो यहां पे रख दीजिए 3, सबसे पहले आपको गुणा करना है, उसके बाद ही आपको जोड़ना है। तो यहां पे लिखेंगे 1 प्लस 17 3 कितना हो जाएगा, यहां पे 51, और यहां पे देखिए 1 और 51 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे 52 हो जाएगा, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 14 नंबर, 14 नंबर प्रश्न है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। इसका क्या निकालना है, आपको मूलों का गुणनफल निकालना है। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सी बट्टा ए। बस यहां पे आपको सी का मान रखना है, और यहां पे ए का मान आपको क्या कर देना है, रख देना है, बस यहाँ पे आपको रख देना है। तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, और जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी होता है, और जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सी का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 2, और ए का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 4। अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, तो यहाँ पे कटेगा तो 2 एकम 2, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यानी ये हो जाएगा 1/2, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि किसी घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोल रहा है कि एक घन की भुजा है और उसको क्या कर दिया जाए कि अगर 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना यहाँ पे बढ़ जाएगा। जो घन होता है वो ऐसा होता है, और जो घन होता है इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यहाँ पे बोल रहा है कि घन की भुजा को 2 गुना कर देना है, यानी बढ़ा देना है, 2 गुना कर देना है, तो यहाँ पे हम 2 गुना कर देते हैं,
तो यहां पर देखिए जब भुजा को बढ़ाएंगे तो घन भी क्या होगा यहां पे बड़ा बनेगा। तो यहां पे देखिए मान लीजिए कि भुजा x है और इसका भुजा अगर यहां पे देखिए x है तो इसको क्या कर दिया जा रहा है, दो गुना कर दिया जा रहा है, यानी दो गुना बढ़ा दिया जा रहा है। तो यहां पे हो जाएगा इसकी भुजा 2x। तो बोल रहा है कि अब आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, तो इसका आयतन निकाल लीजिए। तो यहां पर देखिए घन का यहां पर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है भुजा का क्या होता है, क्यूब होता है। तो भुजा कितना है, एक्स है, तो यहां पर हो जाएगा एक्स क्यूब। तो एक्स का क्यूब करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। और यहां पे इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे कि ये हो जाएगा यहां पे भुजा का यहां पे क्या होगा, क्यूब होगा। तो यहां पे लिख देते हैं भुजा का क्यूब, और भुजा क्या है यहां पे 2x है, तो इसका भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो यहां पे देखिए 2 का जब हम क्यूब करेंगे यानी 2 तीन बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। और x का क्यूब करेंगे, x तीन बार गुणा करेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा, यहां पे क्यूब हो जाएगा। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं यहां पे आयतन कितना गुना बढ़ा है, तो यहां पे देख सकते हैं यहां भी x क्यूब है, x क्यूब, लेकिन आयतन कितना गुना बढ़ गया है, यहां पे 8 गुना बढ़ गया है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहां पे 16 नंबर प्रश्न है कि cos pi by 3 का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको cos pi by 3 का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको pi by 3 का मतलब नहीं पता है तो यहाँ पे आपको क्या रखना है कि pi की जगह पे 180 डिग्री यहाँ पे रखना है और बट्टा के नीचे 3 है तो 3 कटा दीजिए। ये 3 छक कितना हो जाएगा 18, यानी ये 60 बार में कटेगा, यानी pi by 3 का मान कितना निकलेगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए cos और pi by 3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि -4 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहां पे आपको बताना है कि जो ये बिंदु है ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहां पे देखिए हम बनाते हैं, आपको समझाते हैं, ये होता है वाई अक्ष और ये क्या होता है, एक्स अक्ष। तो किसी भी बिंदु का दो निर्देशांक होता है, ये पहला वाला होता है x और दूसरा वाला क्या होता है y। तो जो पहला चतुर्थांश होता है ये, और ये दूसरा होता है, और ये तीसरा होता है, और ये क्या होता है, चौथा होता है। पहला में क्या होता है, x का भी मान प्लस में होता है और y का भी मान प्लस में होता है। दूसरा में क्या होता है, x का मान माइनस में होता है और y का मान क्या होता है, प्लस में होता है। और तीसरा में x का भी मान माइनस में होता है और y का भी मान माइनस में होता है। चौथा में क्या होता है कि x का मान प्लस में होता है और y का मान क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि x का मान भी माइनस में है और y का मान भी क्या है, माइनस में है। यानी ये किस चतुर्थांश में जाएगा, तो तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। यानी यहाँ पे C ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर ये बिंदु आपको दिया जाए और बोला जाए कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये एक्स का मान है और ये क्या है, यहाँ पे वाई का मान है। तो यहाँ पे x का मान आप लोग देख सकते हैं ये प्लस में, यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं है, यानी वो प्लस में होता है और y क्या है, माइनस में। तो यहाँ पे x क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है और y क्या होता है, चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस होता है। तो x का मान यहाँ पे प्लस में होगा और y का मान यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये बिंदु किस में जाएगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। तो ऐसे ही ऐसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। ऐसा भी दे देता है 2√3 और यहाँ पे देगा यहाँ पे 3√3 दे देगा, बोल देगा ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको कुछ भी करना है, इसका भी मान प्लस में है, इसका भी मान क्या है, प्लस में है। तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा, तो ये पहले चतुर्थांश में जाएगा। तो ऐसे प्रश्न एक पूछा ही जाता है, तो आपको अच्छी तरीके से इसको समझ लेना है, उसी के बाद यहां पे पेपर में आपको सॉल्व करना है। यहां पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि x²-5x और यहां पे +5 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। इसका क्या निकालना है, आपको विवेचक निकालना है। तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है b²-4ac। यहां पे आपको b का मान रखना है और यहां a का मान और यहां पे c का मान। तो यहां पे देखिए जो x² में गुणा करेगा वो a होगा, जो केवल x में गुणा करेगा वो b होगा, और जिसमें xy कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा, c होगा। तो यहां पे b का मान आप लोग देख सकते हैं, यहां पे क्या है, -5 है, तो यहां पे लिख देंगे -5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -4 है, तो 4। a का मान कितना है, तो यहां पे x² में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। और c का मान कितना है, 5 है, तो यहां पे लिख दीजिए 5। यहां पे देखिए -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यानी दो बार गुणा होगा। तो यहां पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 50 कितना हो जाएगा, यहां पे 25 हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे 25 और माइनस है तो माइनस,
और यहां पे देखिए क्या होगा, चार एकम चार और चार पच्चे कितना हो जाएगा यहां पे 20। यहां पे देखिए 25 में से 20 निकलेगा, कितना बचेगा यहां पे 5 निकलेगा, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि 5y² - 25 का शून्य ज्ञात करें। इसका क्या करना है आपको, शून्य ज्ञात करना है। और ऐसा भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है एक साल, तो इसी साल इसी आज भी आपसे क्या करेगा पूछेगा, यानी आप जो एग्जाम देंगे उसमें भी ये पूछेगा। तो इसे आपको काफी अच्छी तरीके से समझना है। तो यहां पे लिख देंगे 5y² - 25 और इसका शून्यक निकालना है, तो बराबर को उधर क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। अब आपको y का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहां पे देखिए -25 है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे जब -25 बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस यहां पे 25। अब यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे हमको y का मान निकालना है, तो 5 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, नहीं बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहां पे 25 और बट्टा 5 हो जाएगा, कटा दीजिए 50 कितना हो जाएगा यहां पे 25 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए y² बराबर क्या हो जाएगा यहां पे 5 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए हमको y का मान निकालना है, तो इधर स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, नहीं y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहां पे 5 हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए जो रूट में होता है ये प्लस और माइनस दोनों में होता है, यानी y का मान क्या हो गया, एक यहां पे प्लस रूट 5 होगा और एक क्या होगा यहां पे माइनस रूट 5 होगा, जो ऑप्शन नंबर यहां पे सी क्या हो जाएगा यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 20 नंबर प्रश्न, देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, कि बहुपद dy² ये स्क्वायर है, यहां पे देखिए बहुपद dy² + by + यहां पे देखिए एक के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। यहां पे आपको क्या निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है α(β) बराबर क्या होता है, ये c/a होता है। यहां पे आपको c का मान रखना है, a का मान रखना है, तो देखिए जो यहां पे y है, चर क्या है यहां पे y है, तो जो y² में गुणा करेगा वो a होगा, और जो केवल y में गुणा करेगा वो b होगा, और जिसमें xy कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा, c होगा। तो यहां पे देखिए c का मान कितना है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं a है तो यहां पर लिख दीजिए a, और a का मान कितना है, y में क्या गुणा कर रहा है, तो d गुणा कर रहा है, यानी y का मान यहां पे क्या हो गया, d। यहां पे देखिए a का मान कितना हो गया, यहां पे d हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे शून्यकों का गुणनफल निकलेगा a/d निकलेगा, यानी यहां पे d ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसी बहुपद में यहां पे बोल दे कि शून्यकों का योग ज्ञात करें, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। बस यहां पे आपको b का मान रखना है, यहां पे a का मान रखना है, यहां पे माइनस पहले से तो यहां पे माइनस, और b का मान क्या है आप लोग देख सकते हैं, y में क्या गुणा कर रहा है, b गुणा कर रहा है, यानी b का मान यहां पे b ही है, और a का मान यहां पे क्या है, d है, तो यहां पे लिख देंगे d, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान यहां पे क्या होगा, -b/d, और यहां पे α(β) का मान क्या होगा, a/d होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, होमवर्क प्रश्न की 7, 13, 19 दो यहाँ पे .. 205 में पदों की संख्या, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एपी दिया है यहाँ पे 7 से लेके 205 के बीच आपको क्या करना है, पदों की संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे आपको n का मान निकालना है, निकालिएगा, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, ये सभी मेहनत आपके लिए है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसमें बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, और इस वीडियो से 4 से 5 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, इसी आधार पर देखने को मिलेगा। तो आपको अच्छी तरीके से यहां पर तैयारी करके जाना है, और यहां पर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय। बहुत ही कम समय बचा है तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा।